हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बड़ों को नमस्कार छोटों के प्यार। और अभी हम हैं बांद्रा टर्मिनस पे और यहाँ से हम जा रहे हैं कहाँ भाई? यहाँ से हम जा रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार के लिए अभी हम निकल रहे हैं, तो पहले साइड हो जाएंगे। आओ भाई, ये बीच में थोड़ी सी रुकावट, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। 12:05 की ट्रेन है और हम तकरीबन पहुँच गए हैं, 11:15 तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ से ट्रेन जब निकलेगी थोड़ा पानी वीने का बंदोबस्त करते हैं, तब तक फिर रास्ते का क्या जर्नी हो दिखाते हैं। फिलहाल रात की आज रात कल सुबह और कल की रात परसों सुबह हम पहुँच जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार से जा रहे हैं नैनीताल, नैनीताल में नीम करोटी बाबा का आश्रम। उसके बाद जैसी जर्नी रहेगी आपको सारी चीज़ें बताते हैं। लास्ट तक बने रहिए वीडियो को, देखिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। लाइन पर बने रहिए क्योंकि बर्फ़ पर भी जाएंगे, वो भी दिखाएंगे। यस, चलिए। क्या लग रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जाने की खुशी में दे रही है, एक और एक ले रही है। मस्त ये बस हो गया। क्या तो ये छाना था इसको देख रहा है। और हम अभी कोटा पहुंच गए, कोटा राजस्थान, कोटा स्टेशन पे हैं। यहाँ पे मुंबई जब हाथ धो रहे हैं, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। बहुत गर्मी है, अभी निकलेंगे यहाँ से, रात में दिल्ली पहुँचेंगे, देखते हैं उसके बाद अगला स्टेशन दिल्ली। मतलब है तो रास्ते में काफ़ी सारे स्टेशन है, लेकिन मेन स्टेशन जिसका हमें इंतज़ार है, क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने अच्छा मिलेगा, छोले कुलचे। यहाँ पर तो केले भी वजन के हिसाब से दे रहे हैं। यहाँ पर केले किलो के हिसाब से देते हैं भाई। ट्रेन मिल रही है पीछे से, ट्रेन जाने लगी है। चलो भाई, रात के 11:15 तो रुक जा, हमें भरतपुर में, और भरतपुर में हम चाय पी रहे हैं। द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द ट्रेन एंड दे आर गोइंग टू देयर हाउसेस। फिलहाल रात के 11:00 तक हम खाना ही ढूंढ रहे थे, इसके लिए हिंदी भूल गया, ये इंग्लिश चालू हुआ है। चाय मिला है तो थोड़ा दिमाग एक्टिव है, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। फाइनली पकड़ लिया ट्रेन भाई चाय पीने के चक्कर में। तो अभी भरतपुर से निकले, अब इसके बाद मथुरा है ना? मथुरा। दे राधे राधे बरसाने वाली राधे, वाह वाह श्री कृष्णा। तो ये हम पहुंच गए हैं मथुरा। जय श्री कृष्णा, हरे हरे महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम पहुंच रहे हैं ज्वालापुरी ना भाई? हाँ, अभी हम ज्वालापुरी पहुंच रहे हैं, उसके बाद हरिद्वार। तो मुझे लगता है हार्डली 30-40 मिनट का और रास्ता है हार्डली। और यहाँ पर थोड़ा क्लाइमेट ठंडा है, अभी 15-16 डिग्री और मस्त धूप लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है यार अभी। और यहाँ से आगे कैसे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल यहाँ से उतरता हूँ आशीषपुर, बेचता हूँ कुछ नाश्ते का बंदोबस्त करने के लिए। तो ये तो अपना सुबह उठते जाना, बिना ब्रश के चाय भी पी लिया, और अभी देखते हैं क्या मिलता है। चलो, ये है हरिद्वार स्टेशन। भाई अभी जस्ट हरिद्वार उतरे हैं हम, और हरिद्वार उतर के सब सामान वामान लेके बाहर आ गया हूँ। और हरिद्वार का क्या व्यू है, उतरते ही महादेव के दर्शन हो जाते हैं, बजरंगबली के दर्शन, मंदिर, मतलब देवभूमि एकदम पूरा हरिद्वार। ये देखिए मेरे पीछे महादेव, दो महादेव की मूर्तियाँ। सुबह सुबह हम पहुँच गए हरिद्वार, सामने मंदिर है सामने, मतलब ये देखिए ये मंदिर है, ये स्टेशन बाहर निकलते हैं। यहाँ पर ऑटो वीटो वाले सब लोग आ जाते हैं, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, जो भी आपको चाहिए रहेगा, जो भी हेल्प चाहिए रहेगा वो लोग गाइड कर देते हैं। फिलहाल हम अभी जा रहे हैं बस स्टैंड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको जाना है नैनीताल, तो हम बस की तलाश में नैनीताल बस में बैठ के। हल्द्वानी के लिए वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है नैनीताल में, कैंची आश्रम, तो वहाँ जाएंगे। तो यहाँ से अभी बीच में अभी टिकट रुके थे, और 410 रुपीज़ का टिकट है, 2,820 रुपये हल्द्वानी।
ड्रॉप करेगा वहाँ से देखते कैसे जाना है, क्योंकि पूरा हरिद्वार टू कैची आश्रम या फिर काठगोदाम तक की बसेस नहीं है, बीच में से हमको एक और रूट लेना ही पड़ेगा। और अभी हम बस में हैं, ये हरिद्वार से हल्द्वानी का रास्ता कम से कम 5 से 6 घंटे 5 घंटे का तो है एटलीस्ट। तो और बसें ऐसी हैं जिस पर आप प्रॉपर सो नहीं सकते हो, सिर्फ बैठ सकते हो, बैठने के लिए अच्छा है, सोने के लिए आई थिंक ये गवर्नमेंट बस है ना, गवर्नमेंट सर्विस नहीं, इतना महंगा नहीं होता था, गवर्नमेंट तो नहीं है क्योंकि इतना महंगा नहीं होता, 250 किलोमीटर का 400-500 रुपये नहीं लगते, बट सोने के लिए ठीक है। अगर आप बैठ के इंजॉय कर रहे हो, रास्ते दिख रहे हो तो रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, वो आप देखते हुए जा सकते हैं, है ना। तो चलिए हल्द्वानी मिलकर एक बार करेंगे बात, तब तक के लिए जस्ट अभी हम उतरे हैं कैची धाम के नजदीक में, आपको आवाज सुनाई देता रहेगा बैकग्राउंड में, और एकदम बहुत ही प्यारा नजारा यार, एकदम खूबसूरत है और क्लाइमेट एकदम मस्त है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है भाई? यहाँ पे टेम्परेचर है 19 डिग्री, अभी फिलहाल 19 डिग्री है और रात में और डाउन जाएगा, यहाँ पर 8 डिग्री तक का है टेम्परेचर। और बैक का व्यू दिखाओ जरा, बहुत ही प्यारा है ये, देखिए दिखाओ भाई साहब, बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पानी भी आ रहा है तो आप यहाँ पे नहा वहा भी सकते। अभी हम फिलहाल रूम ढूंढ रहे हैं, रूम ढूंढते कि और स्टे का बंदोबस्त कर रहे हैं थोड़ा, और अभी एक को कॉल किया था वो बोलते हैं 1800-1500 रुपये तो सस्ते रूम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे कुछ मिलेगा आपको अपडेट देते हैं, वीडियो में डिटेल्स वगैरह सब दे देता हूँ। तो भाई जस्ट अभी हम लोग रूम में आए हैं, ये एक डॉर्मेट्री है, यहाँ पर 500 पर बेड का चार्ज है और ये मंदिर से एकदम 20-30 meters पर ही है, एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पर है और काफ़ी अच्छा प्लेस है ये। और यहाँ पर एक्चुअली रूम का मैंने रेंट निकाला तो काफ़ी कॉस्टली जा रहा था, 2000-2500-1800 ऐसे जा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि एक डॉर्मेट्री लेते हैं, उसमें पर बेड के हिसाब से रहेगा, उसमें हम स्टे कर लेंगे एंड नेक्स्ट डे हम फिर फ्रेश होकर दर्शन करने जाएंगे। तो बाकी का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ, कैसे दर्शन करना है, क्या करना है, उसके बाद हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, नैनीताल के बाद दिल्ली जाएंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा है, मैं आपको एक बार बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो को देखते रहिए।